वाइज आज के स्टूडियो के अंदर हम बात करेंगे एलिमिनेशन चैम्बर 2022 के फाइनल ऑड्स की और गोल्डबर्ग वर्सेस स्टीव ऑस्टिन की फाइट की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स WHG। आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है। एलिमिनेशन चैम्बर दोस्तों WWE का एक ऐसा प्रीमियम लाइव इवेंट है जो कि हर वर्ष हम लोगों को USA से लाइव देखने को मिलता है। इस बार ही दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि ये होगा सऊदी अरेबिया से लाइव। जी आपने बिल्कुल सही सुना, सऊदी अरेबिया से दोस्तों ये लाइव होगा। कब होगा? परसों होगा। और आज की वीडियो दोस्तों रहेगी इसकी आखिरी बैटिंग और प्रेडिक्शन वीडियो, तो इसको आपको अंत तक देखना है। और शुरू में लाइक करना मत भूलेगा, ये हमें परसों यानी कि शनिवार को देर रात 10:30 बजे देखने को मिलेगा, जिसके अंदर कुल मिलाकर 7 से 8 बड़े मैचेस रखे गए। जहां सबसे पहला मैच जो कि हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो है दोस्तों स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप का, जहां दोस्तों उसोस फेस करेंगे वाइकिंग रेडर्स को। अब इस पर्टिकुलर मैच की बात करूं तो गाइस सब लोग जानते हैं उसोस का टाइटल रेन काफी स्मूथ चला हुआ है, लेकिन वाइकिंग रेडर्स दोस्तों बड़ी अपॉर्चुनिटी पाए हैं। दोनों ही टीम्स काफी तगड़ी है और गाइस वाइकिंग रेडर्स में ऐसा मादा भी है कि उसोस को हरा पाए, लेकिन क्या ऑड्स में वो बढ़िया चल रहे? जी नहीं, उसोस लीड कर रहे हैं, उसोस चले -525 के साथ, वहीं वाइकिंग रेडर्स चले +300 के ऊपर, माइनस में ज्यादा घिरना चाहता है दोस्तों ऑड्स को। इसका मतलब साफ है इस वक्त दोस्तों जिस टीम के जीतने के चांसेस हाई है वो है द उसोस, और उसोस इसमें विजय प्राप्त करेगी, टाइटल्स कहीं भी नहीं जाएंगे। चलते हैं इससे अगले मैच के ऊपर। तो इसके बाद जो अगला मैच हम लोग देख रहे हो बोलेगा वो है दोस्तों रोंडा राउजी का, जो कि फेस करने जा रही है नायोमी के साथ मिलकर शार्लेट फ्लेयर एंड सोनिया डेविल की जोड़ी को। तो गाइस इस मैच की बात करूं, मैच दोस्तों देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। रोंडा राउजी दोस्तों जो कि काफी बड़ी सुपरस्टार है, फाइनली अपना रिटर्न की है, रॉयल रंबल जीती है, उनका पहला मैच ये है जो कि दोस्तों हमें यहां देखने को मिलेगा। जहां गाइस बात की जाए ऑड्स की, ऑड्स में दोस्तों रोंडा की टीम लीड कर रही है, चली हुई है -375 के ऊपर, वहीं शार्लेट फ्लेयर एंड सोनिया की जो जोड़ी है दोस्तों चलिए +250 के ऊपर। दैट मींस इसके अंदर रोंडा राउजी एंड नायोमी विजय प्राप्त करने वाली है। चलते हैं इससे अगले मैच के ऊपर। इसके बाद जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलने जा रहा है वो देखने को मिलने जा रहा है दोस्तों हमारे अपने ड्रू मैकइंटायर का, जो कि फेस करने वाले हैं मैडकैप माउस को। तो इनकी फाइट हमने पहले देखी है, लेकिन इस बार डिफरेंस बता था है कि गाइस फॉल्स काउंट एनीवेयर होगा, यानी कि पिन कहीं भी हो सकती है। और मेरे हिसाब से सऊदी की क्राउड के बीच में जाने वाले हैं ड्रू मैकइंटायर एंड मैडकैप माउस। मैच दोस्तों काफी मजेदार रहेगा। आपको बताना चाहूंगा जो कॉर्बिन है उन्होंने अपनी फ्लाइट की तस्वीरें शेयर की है, जिसका मतलब यह है कि इस मैच के अंदर वो भी रहेंगे और दखल अंदाजी करेंगे ही करेंगे। लेकिन विनर की बात की जाए और सामने है, जहां गाइस बात की जाए ड्रू मैकइंटायर के चले -650 के ऊपर, वहीं गाइस मॉस चले हुए हैं +375 के ऊपर, विच मीन्स इसके अंदर ड्रू मैकइंटायर हैंड्स डाउन विजय प्राप्त करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोग वो देखने को मिलने जा रहा है उसका इंतजार दोस्तों पर्सनली मैं काफी समय से कर रहा हूं, और ये होने जा रहा है दोस्तों हमारी लेजेंडरी डिवा लीटा का, जो कि फेस करेगी रेनिंग अनडिस्प्यूटेड द चैंप ऑफ द चैंप्स बैकी लिंच को। तो गाइस रॉ वुमन चैंपियनशिप का जो है मैच होने जा रहा है, इसके अंदर अपनी आइडल को फेस करने जा रही है बैकी लिंच। जहां गाइस इनकी राइवलरी की बात करूं, राइवलरी बस इतनी सी है कि गाइस बैकी लिंच कहती है लीटा मेरी आइडल है, लेकिन मैं उसकी गंदी तोड़ूंगी, इतनी तोड़ूंगी कि उसे फिर से रिटायर होना पड़ जाएगा। लीटा कहती है कि तू भी बच्ची है और जीवन की तू कच्ची है, तो मतलब दोस्तों ये है कि हाँ उतरने किसी की कच्ची है, माफ कीजिएगा दोस्तों। लेकिन हाँ ये मैच काफी मजेदार होगा और बैकी लिंच के ऑड्स दोस्तों चले हुए -1600 के ऊपर सबसे ज्यादा, और जो हमारी लीटा है वो +600 के साथ है, विच मीन्स इसके अंदर कोई भी टाइटल चेंज नहीं होगा और बैकी लिंच इसके अंदर विजय प्राप्त करेगी। चलते हैं दोस्तों इससे अगले मैच के ऊपर। तो इसके बाद जो अगला मैच हम लोग वो देखने को मिलने जा रहा है वो है दोस्तों वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच। तो गाइस महिलाओं का एक और मैच हम लोग वो देखने को मिलने जा रहा है, जो कि दोस्तों क्वाइट शॉकिंग है सब लोगों के लिए, क्योंकि सऊदी में महिलाओं को इतनी अपॉर्चुनिटी पहले कभी नहीं मिली है, लेकिन मिल रही है दोस्तों। यहां जो अपोनेंट्स है या फिर कह लीजिए कंटेस्टेंट्स है वो है बियांका ब्लेयर, अलेक्सा ब्लिस, रिया रिप्ली, मॉर्गन ड्यूड्रॉप, ASH। तो दोस्तों सुपरस्टार्स की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन जो ट्विस्ट आया है वो है दोस्तों अलेक्सा ब्लिस दोस्तों हाल ही में इसके अंदर जुड़ी है, और गाइस उनके आने के साथ ऑड्स में बड़ा चेंज आया, जहां बियांका ब्लेयर दोस्तों -200 के साथ लीड कर रही है। पहले सेकंड नंबर पर रिया चल रही थी, अब सेकंड नंबर वाला अलेक्सा ब्लिस चल रही है, काफी क्लोज है +200 के साथ। नंबर 3 पर आप देख सकते हैं रिया है, और बाकी का लाइनअप आपके सामने। बट इसके अंदर हिसाब से बात यह है कि बियांका ब्लेयर जो है विजय प्राप्त करने जा रही है, और पॉड में वो आखिर में निकलेगी, इस चीज का भी उन्हें काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। हालांकि दोस्तों पर्सनली चाहता हूं अलेक्सा को बढ़िया बुक किया जाए। चलते हैं इससे अगले मैच के ऊपर।
इसके बाद जो अगला मैच आप लोग देख रहे हो मिलने जा रहा है दोस्तों, वो है रे मिस्टीरियो वर्सेस द मिज। तो एक और एंटरटेनिंग मैच बीच में रखा गया है। सब लोग जानते हैं दोस्तों कि मिज को सऊदी अरेबिया में कितनी हेट दी जाती है, वहीं रे मिस्टीरियो को उतना ही सपोर्ट दिया जाता है। और हाल ही में हमने देखा था किस तरीके से मरीज के साथ मिलकर मिज ने फोड़ा था रे को, तो मैच दोस्तों काफी बढ़िया लग रहा है। और उसकी बात की जाए रे मिस्टीरियो चले हुए -200 के ऊपर, द मिज चले हुए +150 के ऊपर, जिसका मतलब साफ है रे मिस्टीरियो इसके अंदर एक आसान जीत अर्जित करेंगे। चलते हैं अपने सबाइवेरी मैच ऑफ द इवनिंग के ऊपर, गाइस वो हम लोगों को देखने को मिलेगा द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का, जो कि फेस करेंगे हॉल ऑफ फेमर बिल गोल्डबर्ग को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो गाइस एक ऐसा मैच, एक ऐसी फाइट जो कि हर कोई बहुत लंबे समय तक देखना चाहता था, बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। स्पीयर वर्सेस स्पीयर फाइनली देखने को मिलने जा रहा है, वो भी सऊदी की जमीन के ऊपर, यानी कि जनता का सपोर्ट दोनों ही सुपरस्टार्स को रहेगा। जहां ऑड्स की बात की जाए, ऑड्स चले हुए दोस्तों रोमन रेंस के पक्ष में, जो कि चले -1300 के साथ। बिल गोल्डबर्ग चले हुए दोस्तों +575 के ऊपर, जिसका मतलब साफ है दोस्तों इसके अंदर कोई भी टाइटल चेंज हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। और अगर रोमन रेंस इसके अंदर हारते भी है तब भी दोस्तों VRDQ ही उनकी हार हो सकती है। अब गाइस यहां बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं, कई खबरें ऐसी भी है कि ब्रॉक लेसनर मैच कॉज करवा सकते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। ये खबर भी है दोस्तों कि ये जो मैच है ये काफी कॉन्ट्रोवर्शियल वे में खत्म हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसके अंदर रोमन रेंस गोल्डबर्ग को हरा कर रहेंगे, और ये चीज भी हो सकती है कि वो उन्हें स्क्वाश कर दे। चलते अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग को, गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि हम लोगों को देखने को मिलेगा एलिमिनेशन चेंबर का, वो है दोस्तों द बीस्ट ब्रॉक लेसनर वाला मैच, जिसके अंदर बॉबी लैशली जो कि चैंपियन अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे, लेसनर सेथ एजे स्टाइल्स हमारे रीडल ऑस्टिन थ्योरी जैसे सुपरस्टार्स के खिलाफ। गाइस बहुत मजेदार मैच होगा, और हमारे सामने गाइस ब्रॉक लेसनर लीड कर रहे हैं -105 के साथ, लैशली चले +150 के ऊपर, उसके बाद सेथ का नाम है +250 के ऊपर। लाइन अब आप देख सकते हैं, यहाँ गाइस बताया जा रहा है ब्रांड न्यू WWE चैंपियन क्राउन हो सकता है, और ब्रॉक लेसनर को सऊदी में बहुत ज्यादा पसंद भी किया जाता है। ब्रॉक लेसनर अगर चैंपियन बन जाते सोने पर सुहागा होगा, रेसलमेनिया चैंपियनशिप चैंप हो जाएगी, लेकिन क्या और सत्य साबित होंगे ये तो हमें वहीं पता चल पाए। हालांकि अभी के लिए मेरी पिक भी लेसनर की ही रहेगी। चलते हैं दोस्तों अब इस वीडियो के सेकंड टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा जुड़ा है खबरों से। बस पहली खबर जो आज की हमारी है वो काफी शॉकिंग है, तो इसे दिल पर हाथ रखते हुए सुनिएगा। कोडी रोड्स इसी वीक दोस्तों WWE परफॉर्मेंस सेंटर में अपना रिटर्न कर सकते हैं। एज पर रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कोडी रोड्स जो कि EW सुपरस्टार हुआ करते थे, अब EW के अंदर नहीं है, क्योंकि EW को उन्होंने रीसाइन करने से मना कर दिया है। उनकी टोनी खान के साथ कुछ लड़ाई थी, कुछ डिस्प्यूट था, जिसके चलते उन्होंने रीसाइन करने से मना कर दिया। और बताया जा रहा है WWE का हिस्सा होने जा रहे हैं, रेसलमेनिया का वो पार्ट हो सकते हैं। और हमारे सामने दोस्तों डेट आई है 19 और 20 फरवरी की निकलकर सामने, इन दो शाम दोस्तों परफॉर्मेंस सेंटर में होंगे। और बताया ये भी जा रहा है कि वहां वो अपने सेगमेंट्स जो है, जो कि फ्यूचर सेगमेंट्स उनके रह सकते हैं, वो कर सकते हैं शूट। हालांकि दोस्तों इस पर कोई भी स्टैंप नहीं लगी है कि ऐसा ही होगा और ऐसा होने वाला है, बट दोस्तों यहां जो खबर निकल कर सामने आई और जो डेट्स निकल कर सामने आई है, कोडी इज बैक इन WWE, ये चीज हम कह सकते हैं। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर, जो कि हमारी आज की सेकंड लास्ट न्यूज भी है जो जुड़ी हुई है दोस्तों रोमन रेंस एंड गोल्डबर्ग से। तो गोल्डबर्ग ने दोस्तों हाल ही में कुछ ऐसा कमेंट किया है जो कि काफी पर्सनल है और काफी दिल को दुखाने वाला भी है। तो गोल्डबर्ग एंड रोमन रेंस की दोस्तों फाइट होने जा रही है शनिवार, लेकिन गोल्डबर्ग ने आज ये चीज कही कि वो रोमन रेंस की पूरी फैमिली को हराए है, और पूरी की पूरी फैमिली में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसे उसने नहीं हराया हो। गोल्डबर्ग ये चीज बोले हैं कि अभी भी रोमन रेंस की फैमिली के साथ अनडिफीटेड है। तो गोल्डबर्ग की हिस्ट्री निकाले जाए तो दोस्तों वो द रॉक के अंकल मिंग, यानी कि दोस्तों हकू को सबसे पहले WCW में फेस किए थे, हराया था, उसके बाद दोस्तों WWE के अंदर लौटे जहां उन्होंने आते सार द रॉक को भी हराया, उसके बाद दोस्तों उन्होंने फेस किया रोमन रेंस के एल्डर भाई यानी कि रोजी को, और उन्होंने भी गंदे तरीके से हराया। कुल मिलाकर यहां दोस्तों जो फैक्ट रखा है गोल्डबर्ग ने बिल्कुल साफ है, क्या वो पहले बंदे होंगे रोमन रेंस जो कि गोल्डबर्ग को हराएंगे, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुका है। चलते आज की अपनी मेन खबर के ऊपर, वो इस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों स्टीव ऑस्टिन
वर्सेस गोल्डबर्ग से। तो जहां गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन होना है उससे भी बड़ा मैच दोस्तों ऑस्टिन वर्सेस गोल्डबर्ग है। दो ऐसे सुपरस्टार जिन्हें दोस्तों कई लोग आज भी सेम मानते हैं दोस्तों, एक ऐसा मैच जो कि कभी नहीं बन पाया अब दोस्तों चर्चा में आ चुका है। एज पर रिपोर्ट्स बताया जा रहा है दोस्तों कि WWE डिस्कशन कर सकता है इस मैच के ऊपर भी, यानी कि गोल्डबर्ग वर्सेस ऑस्टिन के ऊपर भी। तो ऑस्टिन वर्सेस केविन ओवेंस माना जा रहा अभी के लिए, लेकिन आज दोस्तों एक रिपोर्ट हमारे लोगों के सामने आई है और इसके अंदर बताया ये जा रहा है कि ऑस्टिन वर्सेस गोल्डबर्ग भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों एक ऐसा ड्रीम मैच है जो कि लोग देखना ही पसंद करेंगे। हालांकि मैच जैसा भी हो, यहाँ कई एक्सपर्ट्स की राय यह है कि हाँ इस मैच के बने की पॉसिबिलिटी है। तो रेसलमेनिया दोस्तों काफी अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही है। अब गाइस सवाल आप लोगों से बनता है कि स्टीव ऑस्टिन को अपने रिटर्न पर किसे फेस करना चाहिए, क्या केविन ओवेंस को फेस करना चाहिए जिनके साथ उनकी स्टोरी लाइन बिगन भी हो चाहिए, या फिर दोस्तों बिल गोल्डबर्ग को जिनका मैच हम काफी समय से देखना भी चाहते हैं। तो अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, मैं इंतजार करूँ। वीडियो आज की इतनी थी, पसंद आई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।